लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए। चंपावत की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया, उनकी शक्ति के बल पर मैं इस क्षेत्र के विकास के प्रति कृत संकल्पित हूं कि मन से, वचन से, कर्म से, हर प्रकार से, और उसी उद्देश्य से हमने जहां जिला मुख्यालय चंपावत में एक मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय खोला है और टनकपुर में भी जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए वहां पर भी एक सीएम कैंप कार्यालय खोला है। चंपावत को आदर्श जिला बनाने के लिए हम लगातार मिशन मोड में काम कर रहे हैं। लगातार हर बैठकों में चंपावत का उल्लेख होता है, हर बैठक में उसकी प्रगति की समीक्षा होती है और चंपावत के सर्वांगीण विकास के लिए अभी तक 60 से अधिक घोषणाएं यहाँ पर हो चुकी है। सभी घोषणाओं में काम हो रहा है। चंपावत जिला अस्पताल में जहां क्रिटिकल केयर यूनिट की स्थापना की गई है लगभग 23 करोड़ रुपए की धनराशि से, और स्वास्थ्य सेवाओं को और भी अधिक बेहतर बनाया जा रहा है। बनबसा एवं टनकपुर क्षेत्र एवं अन्य क्षेत्रों में सिडकुल की स्थापना के लिए भी भूमि का चयन कर सिडकुल स्थापना की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है। टनकपुर में ISBT की तर्ज पर जहां बस अड्डे का निर्माण कार्य जारी है, चंपावत और टनकपुर को स्मार्ट सिटी बनाने की दिशा में भी आगे काम हो रहा है। महिलाओं को, हमारी मातृशक्ति को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए उनके उत्पादों को बाजार में उचित मूल्य दिलवाने हेतु ग्रोथ सेंटर का निर्माण करवाया जा रहा है। मां पूरागिरी मंदिर क्षेत्र हो या देवीदुरा मंदिर क्षेत्र हो, इसकी विकास को प्राथमिकता के आधार पर और हिंगला देवी मंदिर तक रोपवे मार्ग का निर्माण भी प्रस्तावित किया गया है। आज हमारी सरकार प्रदेश के विभिन्न मंदिरों को और अधिक भव्य बनाने का कार्य लगातार अपना दायित्व मानकर कर रही है। कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम इन सब मंदिरों का जीर्णोद्धार करेंगे। हम मानस खंड कॉरिडोर को विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ चुके हैं, जिसके अंतर्गत पूरे कुमाऊं के अंतर्गत गोलजू मंदिर, पाताल भुवनेश्वर, कोट भ्रामरी, देवी दुरा, कैसी धाम, बाल सुंदरी समेत 29 मंदिरों को इस मानस खंड कॉरिडोर के अंतर्गत चिन्हित किया गया है। इसके अतिरिक्त विभिन्न धार्मिक सर्किटों का विकास भी किया जा रहा है। हम संकल्प के साथ इसको पूरे उत्तराखंड को विश्व की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक राजधानी बनाना चाहते हैं। आध्यात्मिक राजधानी और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में हमारा पूरा उत्तराखंड जाना जाए, देवभूमि उत्तराखंड की पहचान और अधिक सशक्त बने। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे इन प्रयासों में चंपावत का मेरा प्रत्येक भाई बहन, प्रत्येक बड़ा बुजुर्ग, प्रत्येक नौजवान, प्रत्येक बच्चा इसमें शामिल होगा और इन सभी कामों का वो आगे बढ़कर जब अपना समर्थन करेगा, अपना आशीर्वाद प्रदान करेगा। देवभूमि की पवित्र प्रकृति को और भी अधिक शुद्ध बनाने में हमारे चंपावत के रहने वाले एक एक वासी का बहुत बड़ा योगदान होगा, अपना पूरा सहयोग देगा। और यह संकल्प हमने लिया है कि जब हमारे राज्य का 25 साल का ये उसके निर्माण के 25 साल पूरे होंगे, हम जब रजत जयंती वर्ष मना रहे होंगे, उस समय हम हर क्षेत्र में हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में हमारी गिनती हो, श्रेष्ठ राज्यों में हमारा नाम हो, उसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। मैं मंदिर समिति की तरफ से हमारी बहुत सारी यहाँ पर उन्होंने मुझे मांगे सौंपी गई है। मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूँ कि इन सभी मांगों पर हमारी सरकार पूरी गंभीरता से विचार करेगी। और मैं एक तो घोषणाएं उनको करना चाहता हूँ। एक तो हमारा जो घटोत्कच मंदिर परिसर है, इसकी चार दीवारी और दो कक्षों का निर्माण और मंदिर का सौंदर्यीकरण किया जाएगा और एक कुमाऊनी शैली में इसका निर्माण कार्य किया जाएगा। साथ ही घटोत्कच मंदिर स्थल को सौज हिडम्बा मंदिर होते हुए गौड़ी सड़क तक 2.5 किलोमीटर सड़क का निर्माण कार्य भी किया जाएगा। घटोत्कच मंदिर से झाली मंदिर तक 1700 मीटर सड़क का डामरीकरण का कार्य किया जाएगा। इसके हिडम्बा मंदिर के समीप जो खेल का मैदान है उसका निर्माण कार्य कराया जाएगा। घटोत्कच मंदिर गेट से कैप्टन बिंदू सिंह के घर तक 300 किलोमीटर जो सीसी मार्ग रह गया है उसका भी निर्माण कार्य किया जाएगा। साथ ही तहसीलों के कार्यों के संपादन के लिए 2.5 लाख रुपए का फंड उपलब्ध कराया जाएगा। प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग चंपावत के अंतर्गत बन लेक ललवा पानी मोटर मार्ग को राजमार्ग की भी संज्ञा दी जाएगी।
रामकेश्वर आदि ट्रैक रूट पर साइनेज लगाए जाएंगे। घटुक हिडम्बा मंदिर ये कुमाऊनी शैली में बनाया जाएगा, मैं पहले ही इसके बारे में बता चुका हूँ। प्रांतीय लोक निर्माण खंड अंतर्गत चंपावत बाजार से गोरल चोड़ मैदान की ओर जाने वाले मोटर मार्ग का भी चौड़ीकरण का कार्य किया जाएगा। जिला मुख्यालय में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अंतर्गत आपदा प्रशिक्षण केंद्र का निर्माण कार्य भी किया जाएगा। जिला मुख्यालय में चंपावत में मल्टी स्पेशली डिजास्टर रिलीफ सेंटर बहुउद्देशीय आपदा राहत केंद्र भी खोला जाएगा। और पूरा जो हमारा चंपावत का जो कलेक्ट्रेट है उस कलेक्ट्रेट का भी कुमाऊनी शैली में उसका पुनर्निर्माण कार्य किया जाएगा। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूँ कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए।